सो हेलो गाइज, नमस्कार। स्वागत है हमारे इस ब्लॉगिंग चैनल में जिसका नाम है कपल्स लव 143। तो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन, इनका नाम है चांदनी, ये मेरी वाइफ है। और दोस्तों, हम चंडीगढ़ में रहते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट मतलब ब्लॉग फर्स्ट वीडियो है ये हमारी, और बहुत ज़्यादा मतलब नर्वस हो रखे हैं हम। क्या बात करें, किस तरीके से आपको बताएं, अपने बारे में समझ नहीं आ रहा है। हमको पता है क्या बोलना है, पर प्रेजेंट किस तरीके से करें वो समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे लोग मतलब ब्लॉगिंग चैनल आजकल बनाते हैं और वो कुछ ऐसा करते हैं, अच्छे से आपको एंटरटेन करते हैं, तो आप लोग मतलब उनको सपोर्ट करते हो, तो हम भी चाहते हैं आपका प्यार हमें मिले। तो इसलिए हम अपना ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किए हैं और बहुत सारी इस पर मतलब वीडियो वगैरह आने वाली है आगे चल के। तो प्लीज़ को लाइक, कमेंट, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। और गाइज, मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने बारे में कुछ, कि हमारी अभी अभी लव मैरिज शादी हुई है, मतलब 2 महीने हुए। तो और आप लोगों को पता है लव मैरिज में कोई भी सपोर्ट नहीं करता, घर वाले खासकर। तो इसलिए हमारे साथ बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम हमें झेलना पड़ा था, मतलब स्टार्टिंग में जो भी हमने घर वालों को किस तरीके से बताया, क्या मतलब किस तरीके से मनाया उनको, पहली बार तो मान देते वो लोग और एंड में माने और सब चीज़ हो गया, शादी वगैरह सब होगी। और गाइस क्या बोलते हैं, हमारी फैमिली ज़्यादा बड़ी नहीं है, स्मॉल ही है, उसमें 5 मेंबर हैं। और हमारे यहाँ पर मम्मी की चलती है, मम्मी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, पापा जरूर स्ट्रिक्ट हैं, वो मतलब ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। और हमारे पापा मतलब पंडित हैं, वो पूजा पाठ करवाने की जॉब करते हैं, अपना बिजनेस है उनका। और पहले ये म्यूजिक करते थे और अभी बिल्कुल नहीं करते, इनकी आवाज अच्छी है। सब गाइस इसकी वजह से हुआ है, जब से ये आई है तब से मेरा म्यूजिक वगैरह सब। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, इतनी सी गलती नहीं है, मैंने कभी मना नहीं किया कि आप मत करो या ऐसा टाइम नहीं, तो म्यूजिक को मैं खुद ही कहती हूँ कि मैं उठाऊंगी आपको 5 बजे। हाँ गाइस, ये तो रियल है कि इन्होंने अभी तक मेरे को मना नहीं किया म्यूजिक के लिए। वैसे कोई भी सब जो भी वाइफ होती है सपोर्ट ही करती है, उनकी वजह से कोई भी आगे बढ़ता है। इन्होंने मेरे को मना नहीं किया, पर ये है कि जब भी मैं प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ ये बीच में कहीं ना कहीं से आ जाती है और प्रैक्टिस रोक देना पड़ता है। तो अभी कंटिन्यू तो ऐसे ही होता रहा है कि प्रैक्टिस अभी छूटता ही रहा है मेरा, बिल्कुल ना के बराबर ही हो रहा है, कुछ अभी हो नहीं रहा प्रैक्टिस वगैरह। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, 1% में मेरा हर जगह इनका सपोर्ट रहता है, मैं हर जगह इन्हें सपोर्ट करती हूँ। देखो, आज भी ब्लॉग भी बना रही हूँ तो मैंने पूरा सपोर्ट कर दिया। तो इसमें बताओ आप, मेरी क्या गलती है? मेरी गलती है तो आप कमेंट करना। और दोस्तों, गलती जो भी है, अभी हमारी फर्स्ट ब्लॉग है तो आप लोगों को पता है फर्स्ट में तो कोई भी नर्वस हो जाता है। तो जैसा भी होगा, जो भी होगा, अगर गलती वगैरह भी होगी तो प्लीज़ आप लोग माफ़ कर देना, जो भी होगा यार। और अगर जैसे भी हमारा एक्सपीरियंस बढ़ते रहेगा वैसे आपको बताते रहेंगे हम कुछ कुछ बातें। और आप हमारे इसी चैनल पर बने रहिएगा, इसलिए हम आपको चंडीगढ़ का हर एक अच्छी अच्छी जगह दिखाएंगे और उसके बारे में बताएंगे, उसके बारे में हर चीज़। चंडीगढ़ से बाहर भी जाएंगे, वैसे बात नहीं है सिर्फ चंडीगढ़ में, कुछ लिमिट चाहिए है और बाहर भी आपको लेकर जाएंगे, बाहर की भी चीज़ दिखाएंगे आपको, क्योंकि हमारा भी घूमना हो जाएगा, आप लोगों को भी घुमाएंगे और एंटरटेन करेंगे। बस हमारा मकसद ये है कि आप लोगों को एंटरटेन करना, सपोर्ट करते रहिए, ऐसे सपोर्ट करते रहिए गाइस। और अपनी फैमिली के बारे में कुछ रह रही है तो ज़्यादा बड़ी ब्लॉग ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए आपको अपने फैमिली के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। मम्मी के बारे में बताऊँगा, पापा को दिखाऊँगा, मेरी छोटी बहन है एक, तो उसके बारे में बताऊंगा। और इनसे बड़ी इनकी 2 बहन हैं, बट इनकी शादी हो चुकी है, वो अपने ससुराल रहते हैं, उनका ससुराल दिल्ली है, वैसे तो हिंदी से बिलोंग करते हैं, बट हम चंडीगढ़ में रहते हैं, वैसे ही वो लोग दिल्ली में रहते हैं, क्योंकि सब लोग अपने बिजनेस में लगे पड़े हैं। और छोटी वाली दीदी के मतलब 2 बेबी हैं, एक मतलब लड़की और एक लड़का है, और वो भी जॉब पे करते हैं। बड़ी वाली दीदी के लिए बेबी नहीं है क्योंकि वो ड्रॉप नहीं कर पा रही, और क्या उनके हस्बैंड भी जॉब करते हैं, बट हाँ और कुछ नहीं। और मैं आपको क्या बताऊँ, और एक छोटी सी बहन है मेरी, और वो भी मतलब यहाँ हमारे साथ ही रहती है अभी, तो उसका कॉलेज वगैरह चल रहा है, कुछ ज़्यादा व्यस्त है। तो जैसे जैसे वीडियो हमारा होगा वो भी हमारे साथ वीडियो में आएगी और वीडियो बनाएगी, जुड़ेगी हमारे साथ, और उसको भी ले जाएंगे कहीं कहीं घुमा फिरा देंगे, एक्चुअली साथ में उसका भी टाइम पास हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसा भी होगा आपको हम वीडियो में बनाते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे, प्लीज़ सपोर्ट करना। अगर अच्छी वीडियो लगे तो सपोर्ट करना, तो कोई बात नहीं, कमेंट करके बता देना कि ये चीज़ गलती है, वो चीज़ गलती है, हम जरूर कोशिश करेंगे उसको सुधारने की, और बस आप लोगों को हर्ट नहीं करना, ठीक है ना? तो प्लीज़ सपोर्ट करना। ओके गाइस, थैंक यू, बाय।